नवंबर 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने सैटर्न के चांद टाइटन की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो इन तस्वीरों में इधर उधर घूमते हुए बादलों को देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, आज तक टाइटन की बहुत सारी तस्वीरें खींची गई हैं, किसी भी तस्वीर में बादलों को नहीं देखा गया। लेकिन जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से टाइटन की तस्वीरें खींची गई, तो इनमें हम बादलों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है, और जिन बादलों को हमने इन तस्वीरों में देखा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इन तस्वीरों की मदद से साइंसदान टाइटन के मौसम के पैटर्न को समझ सकते हैं। टाइटन के बारे में साइंसदानों को यकीन है कि जमीन के बाद ये वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर मौजूद है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जिसका एटमॉस्फेयर हमारी स्पिन जैसा है, जहां पर साइंसदान को लगता है कि लाइफ मौजूद हो सकती है। लेफ्ट वाली तस्वीर 4 नवंबर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींची थी। इस तस्वीर के टॉप पर क्रैकन मारे है। क्रैकन मारे टाइटन का अब तक का मिलने वाला सबसे बड़ा समुन्दर है। टाइटन की नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है। ये वो टाइम है जिसमें बादल आसानी से बनते हैं, यानी जिसका मतलब यहाँ पर बादल होते हैं वहाँ पर बारिश भी होती है। इस मौसम में सूरज की रोशनी और हीट टाइटन के नॉर्थ हेमिस्फेयर में बढ़ जाती है। ये ऑब्जर्वेशन इस बात का सबूत है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मौसम के बादल बनते हैं। अगर हमारी जमीन पर बनने वाले बादलों की बात करें तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन जिन बादलों को टाइटन पर देखा गया है, क्या वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या उनकी शेप चेंज हो जाती है? इस बात को जानने के लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की टीम ने हवाई में मौजूद केक ऑब्जर्वेटरी की मदद ली। राइट साइड पर नजर आने वाली तस्वीर केक ऑब्जर्वेटरी ने 6 नवंबर को खींची थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंसदान ने कहा था कि उनका ख्याल है कि जिन बादलों को टाइटन पर ऑब्जर्व किया गया है वो 2 दिन बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि बादल अपनी उसी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी शेप चेंज हो गई है। साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का जो डेटा हासिल किया है उसे अच्छी तरह से स्टडी करके यहाँ पर एयर सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। टाइटन पर अगली ऑब्जर्वेशन साल 2023 के मिड में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से की जाएगी, जिनमें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की कंपोजिशन को ऑब्जर्व किया जाएगा। इससे साइंसदान ये भी जान सकेंगे कि मून का साउथ पोल इतना ज्यादा क्यों चमक रहा है। टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड हाइड्रोकार्बन रिवर और सी इसको लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन जगह बनाते हैं। फ्यूचर में मिलने वाली ऑब्जर्वेशन इन सारे राजों से पर्दा उठा देगी कि सोलर सिस्टम के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की निस्बत टाइटन इतना हॉस्पिटेबल क्यों है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की अगली डिस्कवरी की। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 12 जुलाई को अपनी पहली तस्वीर भेजी थी, जिसे जेम्स टी फील्ड कहा गया। इस तस्वीर को IAC इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने दोबारा से स्टडी किया तो उनको उसमें बहुत खौफनाक लाइट मिली। ये लाइट बहुत ज्यादा कम थी, जो किसी गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद एक स्टार से आ रही थी। साइंसदान का कहना है कि ये एक नया गैलेक्सी क्लस्टर है जिसकी आज भी फॉर्मेशन हो रही है। इस गैलेक्सी क्लस्टर की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि इसमें डार्क मैटर के असर को आसानी से देखा जा सकता है। डार्क मैटर एक ऐसी फोर्स है जिसने कायनात की हर चीज को स्टेबल किया हुआ है। हमारी कायनात में हर स्टार, हर सियारा और हर गैलेक्सी एक डार्क मैटर की वजह से एक स्टेबल पॉइंट पर रहकर ऑर्बिट कर रहे हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिस गैलेक्सी क्लस्टर में से लाइट को देखा है, उस गैलेक्सी क्लस्टर की टाइडल फोर्स अपने अंदर मौजूद स्टार्स को अपने अंदर से बाहर स्पेस में धक्का लगा रही है, और जिस लाइट को देखा गया है वो इन्हीं स्टार्स में से आ रही है, जिसको इंटर क्लस्टर लाइट कहा गया है। ये लाइट इतनी कम है कि रात के वक्त हम जमीन से आसमान के सबसे अंधेरे वाले हिस्से को देखते हैं। ये लाइट उससे भी 1% कम है, यानी इस लाइट को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसे किसी भी आम टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि इस लाइट को इंफ्रारेड में देखा जा सकता है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को आसानी से देख सकता है, क्योंकि विजिबल लाइट की निस्बत इंफ्रारेड लाइट में हम गैलेक्सी क्लस्टर को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी इंफ्रारेड लाइट की मदद से IAC के साइंसदान
मैरी मॉन्टस ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे पहली टी फील्ड इमेज में मिलने वाली स्मैक्स J023.37327 गैलेक्सी की इंटरक्लस्टर लाइट को एनालाइज किया। हालांकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई हबल की तस्वीर के मुकाबले में ये दो गुना डीप थी। इस स्टडी से ये बात पता चलती है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इंसानी तरीके का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। वो कायनात में मौजूद इस कदर डिम लाइट को बहुत आसानी से ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। ये डिस्कवरी अब हमें कायनात में दूर पाए जाने वाले गैलेक्सी क्लस्टर को समझने में मदद देगी। इस बहुत कम गोस्टली लाइट को स्टडी करने के लिए साइंसदानों ने एक नई एनालिसिस टेक्निक को मुतारफ करवाया है। उनका कहना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उनको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करके जेम्स की तस्वीर में इंटरक्लस्टर लाइट को स्टडी करना पड़ा है। इस लाइट को एनालाइज करते हुए ये बात सामने आई है कि क्लस्टर के अंदर वाला हिस्सा बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के मर्ज होने से बना हुआ है, यानी उस क्लस्टर के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा कर मर्ज हो गई हैं, और गैलेक्सी क्लस्टर के बाहर का हिस्सा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह गैलेक्सीज की एक्रेशन डिस्क से बना हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ हमें कायनात में गैलेक्सी क्लस्टर की फॉर्मेशन के बारे में बताती है, बल्कि कायनात के सबसे मिस्टीरियस मैटर यानी डार्क मैटर के बारे में भी बहुत से सबूत दे रही है। साइंसदानों ने मजीद ये भी कहा है कि जिन स्टार्स में से इंटर क्लस्टर लाइट निकल रही है वो गैलेक्सी क्लस्टर की ग्रेविटेशनल फील्ड को फ्लो करती है, जिसकी वजह से लाइट इस तरह के स्ट्रक्चर में डार्क मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। साइंसदान को अब इस बात पर यकीन है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बहुत जल्द कायनात के सबसे पूरी स्टार डार्क मैटर के राज से पर्दा उठाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों आपके जहन में ये बात जरूर आती हो कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात में स्टार्स, गैलेक्सीज और कायनात में दूर मौजूद ब्लैक होल को स्टडी कर रहा है और हमें उनके बारे में बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अभी तक इसने हमारी जमीन जैसे सियारे को स्टडी नहीं किया जिनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हो। यहाँ पर हमारी जमीन जैसे पहाड़, समुन्दर और दरख्त भी मौजूद हों और यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। आखिर वो इन सियारों को कब ढूंढेगा और उन्हें कब स्टडी करेगा? क्या वो इस बात का जवाब दे सकता है कि हमारी कायनात में लाइफ मौजूद है या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम को बहुत जल्द स्टडी करने वाला है और हमें जिस चीज का इंतजार है हमें उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें 7 रोकी सियारे हैं, यानी उनकी सरफेस हमारी स्पिन की सरफेस की तरह ठोस है और वहाँ पर पानी का समुन्दर भी मौजूद हो सकता है। साइंसदानों ने इस सोलर सिस्टम को कई सालों तक स्टडी किया और उन्होंने कहा कि इस सोलर सिस्टम में 3 सियारे ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी स्पिन जैसा हो सकता है। इन तीनों सियारों पर उतनी रोशनी आती है जितनी सूरज की रोशनी हमारी स्पिन पर आती है और इन सियारों पर पानी का समुन्दर भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन सियारों पर पहाड़, दरख्त और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारी स्पिन पर मौजूद हैं। इन तीनों सियारों को हम बहुत जल्द जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करने वाले हैं और ये तीनों सियारे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के अगले टारगेट में आ चुके हैं और साइंसदान बहुत जल्द इनके बारे में अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं। जैसे ही इन तीनों सियारे के बारे में कोई नई अपडेट आती है मैं बहुत जल्द इनकी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। अगर आप स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।